फ्रेंड्स, छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर चश्मे लग रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चश्मे लगने का कारण होता क्या है? अक्सर हम अपने बच्चों की आंखों को सही तरीके से देख नहीं पाते हैं और सही तरीके से उनमें होने वाली प्रॉब्लम्स को भी नोट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम समय रहते उन सारी प्रॉब्लम्स को देख सके और अपने बच्चों की सुंदर सी आंखों पर चश्मा लगवाने से रोक सके। बहुत से ऐसे लक्षण होते हैं जिसकी वजह से बात सामने आती है कि हमारे बच्चों की आंखें कमजोर है। बस जरूरत है तो हमें इस बात का पता लगाने की कि वे कौन से लक्षण होते हैं जो कि बच्चों की कमजोर आंखों के बारे में माता पिता को झट से बता देते हैं। आइए जानते हैं उन्हीं लक्षणों के बारे में जो बच्चों की कमजोर आंखों के बारे में हमें आसानी से बता सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 है आंखों को मलते रहना। जी हाँ, यदि आपके बच्चे साफ वातावरण में रहते हैं और उनकी आंखों में लालिमा भी नहीं है और बार बार वो निरंतर अपनी आंखों को मलते रहते हैं, वो भी बिना किसी खुजलाहट के, तो हो सकता है कि आपके बच्चों की आंखें कमजोर हो। यदि आपके बच्चे अपनी आंखों को मलते रहते हैं तो आपको अपने बच्चों को किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाना जरूर चाहिए। पॉइंट नंबर 2, जब भी बच्चों की आंखें कमजोर होती हैं तो उनका सीधा जुड़ाव सिर से होता है। जब भी आंखें बहुत ज्यादा कमजोर होने लगती हैं तो उसकी वजह से सिर दर्द बहुत ज्यादा होने लगता है। यदि आपके बच्चे के सिर में दर्द निरंतर रहता हो या फिर अक्सर रहता हो तो भी आप समझ जाइए कि आपके बच्चे की आंखें कमजोर हैं। पॉइंट नंबर 3, वैसे तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपनी दोनों आंखों से ही किसी चीज को देखकर फोकस कर सकता है, लेकिन यदि आपका बच्चा टीवी देखते समय या फिर बुक्स पढ़ते समय केवल एक ही आंख का यूज करता है और दूसरी आंख को बंद कर लेता है तो भी आप समझ जाइए कि आपके बच्चे की आंखें कमजोर हैं। पॉइंट नंबर 4, तेज रोशनी से पलके झपकना। जी हाँ, वैसे तो जब भी कोई तेज रोशनी या फिर कार की हेडलाइट्स जलती हुई हमारे सामने आती हैं तो हर कोई अपनी आंखों को 2 सेकंड के लिए बंद करता ही है, लेकिन अगर ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहे और आपका बच्चा तेज रोशनी के अंदर अपनी पलकों को लगातार झपकता रहे तो ये भी साइन होता है कि आपके बच्चे की आंखें कमजोर है। पॉइंट नंबर 5 है भेंगापन। जी हाँ, आंखों में भेंगापन होना भी काफी ज्यादा अंदेशा दिलाता है कि आपके बच्चों की आंखें कमजोर है। वैसे तो नॉर्मल आईज सही तरीके से देख सकती हैं यदि हम सही तरीके से उनकी देखरेख करें तो, लेकिन कई बार यदि देखरेख के बावजूद भी बच्चों की आंखों में भेंगापन आ जाता है तो उसकी वजह से भी आप पता लगा सकते हैं कि कहीं आपके बच्चे की आंखें कमजोर तो नहीं, और वक्त रहते उनकी दवा भी करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है कुछ ऐसे लक्षण जिन्हें देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपके बच्चों की आंखें कमजोर हैं या नहीं। इस वीडियो को देखिए और अपने बच्चों की आंखों का खास ख्याल रखिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।